शब्बीर तो देखेगा जो शो है वो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। मदारी समहाओ उसमें एक्शन है लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अभी मेरी एक आ रही है 2 सितंबर को, कार्मा के नाम से फिल्म आ रही है। तो एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें मैं हर प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मैं डाकू भी बन सकता हूँ, मैं हीरो भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार वाले आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से कराने वाले जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि स्टेज और ड्रामों में भी अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अब वो शख्स आखिर है कौन और उनकी स्टोरी क्या है, इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? आप ठीक? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा पारस भाई, शुरू से आपसे सवाल करूँगा कि इस ये शोबिस इंडस्ट्री में आपने जब कदम रखा, पहला कदम कौन सा था और क्या सोच के पहला कदम आपने रखा? अच्छा, बचपन से मैं तफरी और क्रिएटिव चीज़ें करने में लगा रहता था। तो मैंने बचपन में कोई चाइल्ड अपीयरेंस अपनी दी है और पीटीवी के किसी ड्रामे में, क्योंकि माय फादर वाज बीन इन पाकिस्तान टेलीविज़न। 35 साल उनकी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर्विस रही। बेदिल बसरूर उनका नाम है। तो एज ए चाइल्ड स्टार मैंने काम किया। उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई की और बाज़ाब्ता जो प्रॉपरली शुरू किया वो 2005 से शुरू किया, जब मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन किया। एक्टिंग का शौक़ शुरू से था क्योंकि मैं बचपन से सारी चीज़ें देख रहा था, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग। तो क्योंकि वालिद साहब इस काम में थे, तो बाकी भाई बहन तो नहीं गए माँ सवाए मेरे और मेरे छोटे भाई के। इज़ अ फिल्म मेकर, उसने भी फिल्म मेकिंग पढ़ी है। तो मेरे अंदर एक अदाकार था छुपा हुआ हमेशा से, जिसको मैं लाना चाहता था सामने और मैं चाहता था कि मैं अदाकारी करूं। बचपन से ही शौक़ था। तो वो होते होते अल्टीमेटली जो मेरी किस्मत है मुझे यहाँ ले आई। और 2005 से मैंने कैरियर शुरू किया, नापा से पढ़ा और उसके बाद टेलीविज़न ड्रामास किए, फिर फिल्म भी मिली, थिएटर तो अभी तक मैं कर रहा हूँ, 15 साल हो गए हैं। तो बस यही कहूँगा मैं कि मुझे शुरू से शौक़ था और यही शौक़ जो है, ये पैशन जो है, ये जुनून मुझे यहाँ तक खींच लाया। ठीक है। अच्छा, थिएटर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है कि एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को पहला कदम थिएटर के ज़रिए रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि थिएटर जो है एक्टर्स मीडियम है। ठीक है, तो एक अदाकार, अगर आप बाय पैशन आप अदाकार हैं और अगर आपको जुनून है अदाकारी का और आप समझते हैं कि यही वो काम है जो मैं कर सकता हूँ या मुझे आता है, तो उसे थिएटर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि थिएटर तमाम परफॉर्मिंग आर्ट्स की माँ है, उसका ओरिजिन है। और वहीं से इंसान जो है अगर अपने एक्टिंग के क्राफ्ट को शुरू करे, सीखे, तो वो एक अलग डिफरेंस नज़र आता है। आप चाहे फिल्म हों, कमर्शल्स हों, टेलीविज़न हो, आप अगर किसी थिएटर के एक्टर को देखें और एक वो एक्टर जो किसी थिएटर के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसकी डिटेलिंग में फ़र्क आपको नज़र आएगा, उसकी डायलॉग डिलीवरी में आपको फ़र्क नज़र आएगा, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क नज़र आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थिएटर से आप सीखते हो, और ख़ास तौर पे इस काम के अंदर जब आपको ड्रामा पे काम करना है और नैरेटिव पे काम करना है, किसी को कहानी सुनानी है, तो थिएटर आपको भरपूर मौका देता है कि आप अपने आप को इजहारें और उससे ज़्यादा अपने आप को चैलेंज करें। तो थिएटर में आप ख़ुद को चैलेंज करना सीखते हैं कि वो कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो बंदा उसमें ख़ुद को चैलेंज करता है। और मेरा तो ऐसा था कि मुझे सब कुछ बनने का शौक़ था। मतलब मुझे इंजीनियर बनने का भी शौक़ रहा, मुझे डॉक्टर बनने का भी शौक़ रहा, और मैं एक्टर तो सही, राइटिंग, हर चीज़। मतलब मैं चाहता था मैं हर प्रोफेशन को जो है ना एक बार एक्सरसाइज कर सकूं। तो एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें मैं हर प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो मैं डॉक्टर भी बन सकता हूं, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूं, मैं डाकू भी बन सकता हूं, मैं हीरो भी बन सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। सही बात है। तो इसीलिए इसमें जो है ना मुझे लगता है कि मैं भरपूर इजहार सकता हूँ अपनी ज़ात को। और एक्टिंग में एक चीज़ ये भी होती है जो शायद मैं जानता हूँ, थोड़ा सा जो मैंने इस एकेडमी के ज़रिए थोड़ा बहुत सीखा है, एक्टिंग इंसान को एक्सपीरियंस के ज़रिए आती है। क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस जो आपके लाइफ के हैं वो आपकी वोकेबलरी बन जाते हैं, आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती हैं। और एक एक्टर जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, एक अदाकार या कोई आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, वो माशरे की जो चीज़ें हैं जो उतार चढ़ाव हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, वो उनको बड़ा गहराई से महसूस करता है, उन पर गहरी नज़र रखता है। फिर मुताल्ला आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपका मुताल्ला भी चल रहा है तो आप बहुत कुछ सीखते हो, समझते हो, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्का होता जाता है, आपकी ज़ात का हिस्सा, नेचर का हिस्सा बनता जाता है। तो एक्सपीरियंसेस प्लेज अ वाइटल रोल, जाहिर है अदाकारी में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत आप काम आते हैं, काउंट होते हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम था आपका एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो बहुत ज़बरदस्त चला और हाँ नहीं है। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, ये यहाँ अच्छा हुआ आपने भी करेक्शन करा दी। इसका मतलब है आपने अपने कैरियर का आगाज़ वहाँ से नहीं किया था? नहीं, शब्बीर तो देखेगा जो शो है वो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, 2010 में गालिबन शुरू किया, और काम तो मैं 2005 से कर रहा था और शायद उससे भी पहले। तो शब्बीर तो देखेगा वो पहला प्रोजेक्ट था जो हिट हुआ बहुत ज़्यादा, और उससे पहले जो हिट हुआ वो परफ्यूम चौक था। वो मेरी अदाकारी का ही प्रोजेक्ट था, जो मेरी अदाकारी उसमें थी। मैं मुस्तकीम का एक रोल किया था, कसोड़े का। तो कैरियर का आगाज़ तो वहाँ से शुरू हुआ। मतलब वैसे तो थिएटर से शुरू हो गया था, कमर्शियल थिएटर हमने करना शुरू कर दिया था 2008 में, और उसके बाद जो है 2009 में परफ्यूम चौक आया, फिर 2010 में आया शब्बीर तो देखेगा, जो 2013 तक मैंने किया। फिर कुछ वक्त जो है वो अली रिजवी, हमारे यहाँ के ग्रेजुएट बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने किया 8 साल। फिर उसके बाद अभी दोबारा मैं कर रहा हूँ, और वो प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, उसकी पंच लाइन बहुत हिट हुई, और जो मेरा अंदाज़ था वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है 2016 में जो है मैंने दोबारा एक्टिंग की तरफ कमबैक किया, और जिसमें मुझे फिर संगे मरमर के नाम से एक सीरियल मिला, सैफ़ी हसन उसके डायरेक्टर थे, उस पर फिर मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद ताना बाना जुड़ गया, और एक के बाद दूसरा सीरियल और ड्रामाज और ये सारी चीज़ें आती रही हैं। अभी भी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे आएंगी, और अभी कुछ फिल्म्स की हैं जो कि अभी आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, ये तो टेलीविज़न का सिलसिला हो गया, थिएटर भी हो गया। आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे भी कहा कि बड़े पर्दे पर भी आप काम कर रहे हैं, तो रिसेंटली भी अभी आपकी कोई फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, उसके हवाले से कुछ बताइए। हाँ जी, मैं रिसेंटली फ़िल्म का भी बताता हूँ आपको। अभी पिछले चंद महीनों पहले जावेद इकबाल एक फ़िल्म बनी, वो यहाँ पे बैन हो गई, और उसमें मैंने काम किया था, और वो अब बाहर फेस्टिवल्स में उसको अच्छी पजीराई मिल रही है, और उसको काफ़ी अवार्ड भी मिले और चीज़ें। फिर अभी मेरी एक आ रही है 2 सितंबर को, कारमा के नाम से फ़िल्म आ रही है, इट्स अ न्यू एज फिल्म और एक्शन थ्रिलर है। काशान अडमानी उसके डायरेक्टर हैं, फवाद जो हैं वो राइटर हैं, और अदनान सिद्दीकी हैं उसमें, जाले हैं, नवीन वकार हैं, उसामा ताहिर हैं, उमर हैं, वजदान हैं, मैं हूँ, और काफ़ी सारी कास्ट है। तो एक एक्सपेरिमेंटल बड़ी एक डिफरेंट फिल्म है जो पाकिस्तानी सिनेमा में आज तक नहीं बनी है, और मैं चाहूँगा कि लोग जाएं और वो फ़िल्म ज़रूर देखें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। और इसके बाद एक और फिल्म है जो कि अली रिजवी और सिराज सालेकीन ने लिखी भी है और प्रोड्यूस भी की है साथ मिलके, मदारी के नाम से, वो भी आने वाली है। वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और वो बहुत ही कमाल फ़िल्म बनी है, लेकिन यहाँ के जैसे सेंसरशिप पॉलिसीज़ हैं और पैमरा के मामलात हैं, तो मुझे लगता है कि वो मसले आएंगे उस फिल्म के सामने, क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और मामलात हैं उसमें डिफरेंट, बहुत रियलिटी के क्लोज टू रियलिटी वो फ़िल्म है। तो ये 2 फिल्में अभी पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह आने वाली हैं। मदारी समहाउ उसमें एक्शन है, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। कारमा में एक्शन है, हाँ, थ्रिलर, एक्शन और सस्पेंस के साथ, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, मतलब भरपूर लोडेड है। मतलब मुझे जिस तरह की मूवीज़ पसंद है उस तरह की कोई चीज़ आने, हाँ जी, मतलब फिल्म में कार है और कार में फिल्म है, ऐसा समझ लें। पहले जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हालात थे, आप क्या समझते हैं अब वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन सिनेमाज ज़्यादा, स्क्रीन ज़्यादा होनी चाहिए। जब ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी तो फिर फ़ायदा भी होगा जो फिल्म्स बन रही हैं, वरना अभी तो बड़ा मसला है अभी भी, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और टिकट के पैसे भी थोड़े कम रखने चाहिए ताकि आवाम जुड़े तो सही। अब की इंडस्ट्री में जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है, जैसे पीटीवी का एक ज़माना हुआ करता था, उस वक्त क्वालिटी के ऊपर काम किया जाता था, क्या अब हम वापस क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं या वही क्वांटिटी वाले मामला चल रहा है? अभी भी क्वांटिटी वाला ही मामला है, क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होगी इंशाल्लाह, मैं पूरी उम्मीद हूँ। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जो ऑडियंस है अब उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, तो YouTube भी है, तो Netflix भी है, तो Amazon भी है, तो ये भी है वो भी है, ऊपर से हमारे यहाँ के चैनल्स। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं कि पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पाकिस्तानी निजात लोग और पाकिस्तान जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी ड्रामास के दीवाने हैं। और आपको अगर ये चेक करना है तो आप YouTube पर जाएँ और ARY या जियो या हम TV के ड्रामास की आप जाके रेटिंग चेक करें और आप देखें कि वो कितना लोग देखते हैं और शिद्दत से देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़। तो कंटेंट हमारा शुरू से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बीच में यकसानियत का शिकार हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से वो रिवाइवल आ रहा है और अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, अच्छे अदाकार आ रहे हैं, तो चीज़ें अभी और मज़ीद अच्छी हो रही हैं और मेरे ख्याल से और अच्छी होंगी। कर्मा में आपका क्या किरदार है, उसका नाम बता दें या अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। कार्मा फिल्म में मैं हशमत का रोल कर रहा हूं और हशमत इज़ अ गैंगस्टर, कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर। और लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर एक आशिक भी है और बाकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा नहीं। बहुत ही मज़ेदार किरदार है, ऐसा किरदार मैंने पहले कभी किया नहीं है, इसके लिए प्रॉपर मैंने काम किया, अपने अपना वेट भी गेन किया, मैंने बाल वाल मैंने लंबे किए थे, दाढ़ी बनाई और पूरा एक वो हशमत वाला कैरेक्टर बनाने की मैंने पूरी भरपूर कोशिश की। बहुत अच्छा लगा पारस भाई आपसे मुलाकात करके, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से काम करते रहें और देखने वालों को इसी तरह से एंटरटेन कर सकें बस। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला मुझे मौके दे ऐसे कि मैं आप लोगों को इसी तरह एंटरटेन करता रहूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे हर दिल अज़ीज़ पारस भाई, मसरूर पारस कहूँगा, पारस भाई इसलिए क्योंकि मैं जब से इनसे मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार, तो यकीनी तौर पर हम इस एकेडमी का हिस्सा थे और ये हमारे सीनियर थे, तो जब हमने पहली दफ़ा देखा तो पारस भाई, तो आज भी वो भाई जो है वो पारस के साथ अलग-अलग नहीं होता, एक साथ ही रहता है। आपकी मोहब्बत है, खुश रहें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ देने का, और इसी बात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।